अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज का जो लेक्चर है वो उसमें हमने क्या पढ़ना है, उसमें हमने ये पढ़ना है कि अमेजोन पर रिकमेंडेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं और गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं। रिकमेंडेड कैटेगरीज का मतलब क्या होता है, वो कैटेगरीज होती हैं जिस पर हम अमेजोन पर बिजनेस कर सकते हैं। उन कैटेगरीज में पढ़ेंगे, उसके अलावा उन कैटेगरीज के बारे में पढ़ेंगे, उसके अलावा हम गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। रिकमेंडेड कैटेगरीज वो कैटेगरीज होती हैं जिस पर हम अमेजोन पर इजीली कोई भी चीज सेल आउट कर सकते हैं। कौन कौन सी वो पर कैटेगरीज हैं, आर्ट क्राफ्ट एंड स्विंग, बेबी, होम एंड किचन, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, किचन एंड डाइनिंग, ऑफिस प्रोडक्ट्स, टूल एंड हार्डवेयर, टॉय एंड गेम्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड। ये वाली कैटेगरीज वो कैटेगरीज हैं जो हम अमेजोन पर सेल कर सकते हैं, ये हमारे पास रिकमेंडेड कैटेगरीज होती हैं। जब आप एज अ ये काम करोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी कैटेगरीज जो होती हैं वो अमेजोन पर सेल हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद जो है ना, जब आप मतलब एक वीए बन जाते हो, आपके पास कोई भी क्लाइंट आता है अगर, तो वो न्यू सेलर है, तो आपको उसको एडवाइस करना चाहिए कि कौन कौन सी कैटेगरीज जो है ना उसके लिए बेस्ट हो सकती हैं। ये हैं तो सारी रिकमेंडेड कैटेगरी, लेकिन आप अगर न्यू न्यू हैं तो स्टार्ट में आपको चाहिए कि आप होम एंड किचन में जाएँ, आप ऑफिस प्रोडक्ट्स में जाएँ, किचन एंड डाइनिंग में चले जाएँ, क्योंकि ये बेबी, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक और ये दूसरी कैटेगरीज है, हेल्थ एंड हाउस होल्ड और टॉय एंड गेम्स, टूल्स एंड हार्डवेयर, ये सब जो है ना एक ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं। ये ऐसी कैटेगरीज होती हैं जिनके साथ इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। और दूसरी बात, आपका इन कैटेगरीज में एक्सपीरियंस भी नहीं होता और इनके लिए इन्वेस्टमेंट की भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है, यानी काफ़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। जैसे बेबीज की प्रोडक्ट्स होती हैं, अब बेबीज की प्रोडक्ट्स के साथ पेरेंट्स के इमोशंस जुड़े होते हैं। इसके अलावा टॉय एंड गेम्स एंड हाउस हेल्थ एंड हाउस होल्ड है, ये प्रोडक्ट्स होती हैं। आप स्टार्ट में इनके साथ नहीं जाएंगे, आपने एज अ ये क्लाइंट को यही एडवाइस देनी है कि अगर के जो है ना वो हाउस हेल्थ एंड हाउस होल्ड इन और टॉय एंड गेम्स, टूल एंड हार्डवेयर, इस तरह की कैटेगरीज में ना जाए। आपने स्टार्ट में कहना है कि वो होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग या ऑफिस प्रोडक्ट्स में ही जाए। क्यों? अगर वो खुद जाना चाहता है तो आप उसके मुताबिक सर्च कर लेंगे, लेकिन अगर वो आपसे पूछता है तो आपने यही एडवाइस देनी है उसे, ठीक है। अब जो है ना नेक्स्ट आपको रिकमेंडेड कैटेगरीज की तो आई होप समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास कि गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती है। जी, अब जो है ना पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। गेटेड कैटेगरी होती क्या है। अ गेटेड कैटेगरी इज द कैटेगरी दैट हैज रिक्वायर्ड परमिशन फ्रॉम अमेज़न। अमेज़न माइट रिक्वायर परफॉर्मेंस चेक, एडिशनल फीस एंड अदर क्वालिफिकेशन फॉर सर्टेन प्रोडक्ट्स एंड कैटेगरीज टू बी सोल्ड ऑन अमेज़न। देखिए, गेटेड कैटेगरी एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसके लिए हमें अमेजोन की परमिशन की ज़रूरत होती है। उसके लिए हमारे पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, इनवॉइसेस होनी चाहिए जो हम अमेजोन को दिखाते हैं और उसको सेटिस्फाई करते हैं ताकि वो हमें परमिशन दे सके, ठीक है। गेटेड कैटेगरी के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है जो हम अमेजोन को दिखा के उससे परमिशन लेते हैं। अच्छा, अब जो है ना गेटेड कैटेगरी में यही चीज़ें आ जाती हैं। बेसिकली गेटेड कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जिस पर अमेजोन ने ताला लगाया हुआ होता है, यानी कि कोई भी उसकी प्रोडक्ट को जो है ना सेल नहीं कर सकता, अमेजोन ने परमिशन नहीं दी हुई होती। वो सेल करने के लिए जो है ना बड़े बड़े जो है ना वो होते हैं, कैटेगरीज होती हैं जिसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। और अमेजोन जो है ना इजीली हर किसी को परमिशन नहीं दे सकता देता, क्योंकि पुराने सेलर जो बैठे होते हैं ना, सिर्फ उनको जो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है उनको ही ये परमिशन देता है, गेटेड कैटेगरी को अनगेट करके उन्हीं को ही देता है। गेटेड कैटेगरी को अब अनगेट करवाना भी एक स्किल है। आप इस सर्विस को भी दे सकते हैं, इसके अमेजोन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, अमेजोन भी कैटेगरी उनको अनगेट करके देता है जिन सेलर्स का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होता है। अब जो है ना गेटेड कैटेगरीज में क्या आ जाता है, बेबी बेबी की जो प्रोडक्ट्स है ना उसकी कुछ सब कैटेगरीज हैं जो गेटेड में आ जाती हैं। हाँ, हेल्थ एंड हाउस होल्ड इसकी भी कुछ सब कैटेगरीज हैं, ब्यूटी, टॉय एंड गेम, ये मेन कैटेगरीज है। इनकी जो कुछ सब कैटेगरीज है ना वो सारी गेटेड में आ जाती हैं जिस पर अमेजोन ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई होती है, वो हम सेल नहीं कर सकते। तो हमने क्या करना होता है, अगर तो हमने उसको मतलब कि हंट कर लिया, हम उसको सेल आउट करना चाहते हैं, तो हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अमेजोन
उनको दिखाने होते हैं, देन वो हमें अनगेट करके देखता है ये सब चीजें। उसके बाद जो है ना प्रोडक्ट्स को, प्रोडक्ट्स टू अवॉइड टू सेल ऑन अमेजोन, वो प्रोडक्ट्स जो हम अमेजोन पर सेल नहीं कर सकते, अमेजोन पर सेल करने से अवॉइड करते हैं। फर्स्ट तो है ओवर साइज प्रोडक्ट्स, मतलब कि जिसका साइज ज्यादा होगा, हम रिकमेंड करते हैं कि 2 kg या 5 lb तक हो साइज। अगर इससे अबव है साइज तो एक तो स्टोरेज चार्जेस ज्यादा पड़ेंगे, तो अमेजोन जो है ना आपसे फीस ज्यादा लेगा, उसके बाद आपका बजट भी बहुत ज्यादा होगा उसमें, और इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट से भी हम जो है ना वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो है ना इजीली ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स के रिटर्न बहुत ज्यादा आ जाते हैं। हैजमेट यानी जिसको आग जल्दी पकड़ लेती है, ऐसी प्रोडक्ट से भी हम अवॉइड करते हैं। लिथियम ऑन बैटरीज यानी ये बैटरीज वगैरह की चीजें जो है ना ये भी हम सेल नहीं करते। और पेटेंट प्रोडक्ट के अबाउट भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि पेटेंट क्या होता है। वैसे मैं बता देती हूँ, पेटेंट जो है ना दो टाइप का होता है, एक डिजाइन पेटेंट होता है, एक यूटिलिटी पेटेंट होता है। ये क्या होता है कि कुछ ब्रांड्स ने अपनी प्रोडक्ट को पेटेंट करवाया होता है ताकि कोई दूसरा उनकी प्रोडक्ट को ना सेल कर सके, ठीक है। इसके अबाउट मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी कि पेटेंट क्या होता है, तो जो यूटिलिटी पेटेंट क्या होता है, डिजाइन पेटेंट क्या होता है, और हम पेटेंट को जो है ना वो खत्म कैसे करवा सकते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा कि गेटेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं और रिकमेंडेड कैटेगरीज कौन सी होती हैं। और ये कैटेगरीज, गेटेड कैटेगरीज को देखने के लिए एक वो है क्रोम एक्सटेंशन, फनल गुरु क्रोम एक्सटेंशन, वो फ्री एक्सटेंशन है। आप जो है ना वो उसको क्रोम में ऐड करके चेक कर सकते हैं कि जो हम प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, जो हम प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं, कि वो गेटेड है या नहीं है।